और इधर आने के बाद 2 दिन में इतना रिलैक्स हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान मिल गए। अभी बहुत सॉफ्ट हो गए, बहुत सॉफ्ट, पहले टाइट रहे। मैंने देखा था ना, टाइट, बहुत टाइट था, बहुत टाइट। और इधर का दर्द बहुत था, ये डायफ्राम का है। अभी डायफ्राम हल्का है ना आपका, रिलीज हो गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर संदीप आसे, स्वागत करता हूँ आपका मंगलमेदा कायरोपैटिक अपने चैनल पे। अपने यहाँ आज मीना जी है, वो गुजरात से है, फिलहाल वो नासिक में रह रहे हैं। तो मीना जी नमस्ते। नमस्ते। तो मीना जी, आपको यहाँ आते हुए 7-8 दिन हो गए अभी, ट्रीटमेंट ले रहे हो आपने यहाँ। हाँ, तो आने से पहले आपकी क्या पोजिशन थी, क्या दर्द था सबसे पहले? हाँ सर, नमस्ते सर। इधर आने के पहले मेरा इतना मतलब कि शोल्डर में दर्द था, फिर इधर जबड़े में था, फिर ये नेक में था, पीठ में था, फिर बैक साइड में था, मतलब कमर में दर्द था, और पैर पूरा पैर जकड़ा हुआ था। कमर का दर्द कितने साल से था आपको? 20-22 साल से था। 20-22 साल से? क्यों आ गया था वो? वो क्रिएटिन की वजह से आ गया था, और वजन उठा लिया था इसकी वजह से आ गया। ओके। फिर बहुत वैद्य के पास गए, मतलब एक्सरे निकाले, सब किया, डॉक्टर के पास, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके। और जो आपका अभी जो दर्द है, सपोज आपका लंबर का है, नेक का है, तो आपको जो लंबर स्पोंडाइलिसिस था, उसकी वजह से आपको क्या होता है, कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, एक कमर दर्द चालू हो जाता है तो उसको नेक को दर्द आना ही है। दोनों एक ऐसे नहीं रह सकते, ये नेक बहुत हेल्दी है और कमर नहीं है। हाँ, कमर में ही पेन है। तो आपका क्या लंबर में भी पेन चालू होता, वहाँ भी डिस्क प्रोलैप्स है। आपके MRI देखे तो नेक में भी डिस्क प्रोलैप्स है। उसके वजह से अपने 7 फ्लोर होते हैं बॉडी के, तो नीचे के 2 फ्लोर हिल गए तो अपना TMJ भी चालू हो गया आपका। हाँ। जो पहले दिन आए तो मैंने हाथ लगाया तो आप चिल्ला रहे थे जोर से। हाँ। तो ये भी आपको चालू हो गया था। तो कॉम्पोजिशन होता रहता है बॉडी में, बॉडी एज अ वन यूनिट, तो सब उसमें होता रहता है, एक दूसरे पे निर्भर रहता है वो, बराबर। तो आपको यहाँ आने के बाद हमने जो ट्रीटमेंट दी, लगा 1-2 दिन 3 दिन, और अभी 7 दिन हो रहे हैं। हाँ, तो हमारा स्टाफ भी आपके लिए मेहनत कर रहा है। हाँ, तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आपको कैसा फील हुआ, क्या क्या लग रहा है आप आज, और क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो ये जो आयुर्वेदिक ये है ना मर्मवेदा, मैंने देखा भी नहीं था। वो मैंने फेसबुक पे वीडियो देखा, और दूसरे दिन ही मैं इधर आ गई कि मुझे इतना पेन जो है खत्म करना है। और इधर आने के बाद 2 दिन में इतना रिलैक्स हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान मिल गए। अरे सुबह उठ के ऐसा फील, हल्का फील हुआ, तो मैंने ऐसा लगा कि मैं जाके आपको पैर छू लूं। और इधर का स्टाफ जो है उसने भी बहुत मतलब मेहनत की है, और मतलब मन से मुझे ट्रीटमेंट दिया है, और बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हूँ ना, ऐसा फील हो रहा है। आपको घर जैसा ना, आपका घर जैसा लग रहा है। चेहरे का रौनक और हैप्पीनेस भी फेस पे आ गया, पहले एकदम मुरझाया हुआ फेस था, अभी बहुत हैप्पी लग रहे हो। यस यस सर। तो अभी जो आपका पैर का पेन है वो कितना परसेंट ठीक है, और गर्दन का पेन है कितना परसेंट ठीक है, और शोल्डर का कितना है? शोल्डर का है अभी थोड़ा। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, मसल्स डैमेज हुए है। हाँ, बाकी जो कमर का है, हाँ, उसमें बहुत रिलैक्स है। फिर जो इधर नेक का था, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब सर भारी पड़ा था वो अपना, ये मुंह का चालू हो गया था वो थोड़ा है अभी दर्द। हाँ ठीक है, इधर आज की सेटिंग में हम कर देंगे TMJ को, और अपन अभी लोअर बैक तो बिल्कुल दर्द नहीं है आपको, शोल्डर के लिए भी अभी कैसा है? सुप्रापाइनस टेंडन लिगामेंट वगैरह टीयर थे आपके, थोड़ा सा रोटेटर कफ इंजरी था डिप, तो उसके जो मसल इंजरी हो गए, टेंडन इंजरी हो गए, उसके लिए आप स्ट्रेटनिंग वाले एक्सरसाइज देखे, ताकत बढ़ाने वाले। हाँ। वो आपको करने, उसके साथ आपको अच्छा डाइट लेना है, खाना खाना है, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। तो रेगुलर आप एक्सरसाइज करो, रेगुलर रूटीन रखो दिन का, तो ये दर्द धीरे धीरे सब दर्द कम हो जाने वाले हैं। कैसे, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आपको सब करना पड़ेगा। हाँ, ओके। सही, सही।
तो कैसा होता है, हेल्थ एक दिन का चॉइस नहीं है, हेल्थ के लिए मेहनत करना पड़ता है ना। सही बात है। कंटिन्यू आप हेल्थ के लिए प्रयत्न करोगे, थोड़ा सा रोज एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा रोज का डाइट का ख्याल रखोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, टेंशन नहीं लोगे, सब अच्छा रहेगा, हैप्पी रहने का, तो उससे आपका अंदर सब हीलिंग होने चालू हो जाता है। आप कोई बात का अपने दिल पे लेते हो वो बोझ बन जाता है, फिर यहाँ का मसल दुखने लगता है, यहाँ का हड्डी दुखना है, बहुत सारे मसल, बहुत सारे बोन्स इमोशन से भी रिलेटेड है, ये भी नए रिसर्च में आ गया है। सही बात जैसे है। आपकी गर्दन, हाँ आपको ये टाइट होते हैं मसल, आपको कोई हाँ टॉर्चर कर रहा हो तो, हाँ या कि स्केलेनी मसल, स्टर्नोक्लेरोमास्टर टाइट होती यस है, आपको बहुत ज्यादा काम है, बोझ है, बहुत ज्यादा बोझ है काम का, तो आपके ये जो मसल है ट्रैपीजियस टाइट होते, ट्रैपेजाइटिस बैठता है आपको, आपके मन में दुख हो, आप अंदर ही घुटन जैसा जिंदगी जी रहे हो, अंदर ही इमोशन दबा के रख रहे हो, तो ये पीछे का दर्द करने लगता सही बात है। सही बोला है ऐसा। सही बात है। सब पूरी सही तो बात है। ये सब इमोशन रिलेटेड है एक हाँ दूसरे से। हाँ वो तो क्या है, आपको मन से भी फ्री रहना है। हाँ, यस दर्द, पेन इज नॉट अ बैड साइन, पेन इज अ गुड साइन ऑलवेज, इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ बॉडी। मुझे बॉडी अलाइव है, इसका मतलब है आपको पेन हो रहा है। आप मुर्दे की तरह होगे तो पेन नहीं होगा, कोई भी पेन होगा डरने का नहीं, उससे रोज थोड़ा सा एडजस्ट करते करते नेचर के साथ उसको कॉम्पनसेशन करना है आपको, उसके साथ जाना है, धीरे धीरे पेन कम होगा, आपकी थिंकिंग और आपकी मेंटेलिटी लेवल ऊपर चली जाएगी। आप ऐसे करोगे कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द दर्द लेके ऐसे पकड़ के बैठोगे तो वो दर्द और बड़ा हो जाएगा सही बात नहीं तो क्या है, तो दर्द छोटे बनाने का उसको, हाँ दर्द है, मैंने एक्सेप्ट किया मुझे ये दर्द है, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अच्छा खाना ले लूंगी, मैं अच्छा प्रसन्न रहूंगी, आनंदी रहूंगी, मेरा ये भी चले जाएगा, ठीक ऐसे मन में बोलते रहे, तो आपका अभी ये थोड़ा है, ये थोड़ा है, ये भी पूरा ये बैक की तरफ ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो सर। आप एक सेशन कर लेते। अपन TMJ का ट्रीटमेंट करेंगे अभी। ओके, मुंह खोलो, बंद करो, मुंह खोलो, बंद करो, मुंह खोलो, बंद करो, आ करो अभी, बंद करो, क्लोज करने की कोशिश करो, बंद करो, करो, गुड गुड, बंद, बस, बंद करो, बंद करो, बंद करने की कोशिश करो, बंद करो, क्या करो, बंद करो, बंद करो, ओके, आ करो, बंद करो, हाँ बंद, ओके बंद, आ बंद, ओके रिलैक्स, ब्रीथ आउट, वेरी गुड, रिलैक्स, परफेक्ट। ओके, मास्क में 2000
मेरे हस्बैंड तो बहुत साल पहले 98 97 गुजरात कच्छ में, कच्छ में है। हाँ अरे भुज, भुज कच्छ। हाँ कुछ स्पेशल है ना, कुछ भट्टी कच्छ में? क्या कच्छ में तो बहुत सारा है। हाँ, बहुत सुना है। वाइट रन है, डेजर्ट वाइट डेजर्ट, सफेद रन है, फिर हाँ पूरा जो ये है ना पूरा ये हो जाता है नमक। हाँ। बहुत सारा नमक हो जाता है ना। हाँ। उसमें पूरा ये मोदी जी ने चालू किया है ना वाइट डेजर्ट रणोत्सव, दिसंबर से फेब्रुअरी तक रहता है, फेब्रुअरी तक पूरा चालू रहता है उधर। बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, अभी तो बहुत आते हैं। फिर ये दरिया किनारा है मांडवी, हाँ बेट जैसा है। कहाँ पे? हाँ पेट में भी बहुत टाइट था पहले, अभी बहुत सॉफ्ट हो गया। बहुत सॉफ्ट पहले टाइट रहा। हाँ, मैंने देखा था ना पहले बार, बहुत टाइट बहुत, था। बहुत टाइट। और इधर का दर्द बहुत था। ये डायफ्राम का है। अभी डायफ्राम हल्का है ना आपका, रिलीज हो गया। ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, सांस ले लो, छोड़ो, ले लो। डाइट भी अच्छा है लेकिन वो पेट ही टाइट हो पड़ा था, ये कमर की वजह से बढ़ता है ना, तो वो ही जाता है वो। हाँ नहीं पर वो उसमें भी ड्राइनेस ऑयल से लेना, ऑयल से लेना। हाँ मैं बताऊंगा कौन सा ऑयल यूज करना है, कैसा करना है आपको। ठीक। हाँ हाँ मसल टाइट है उसको मैंने अपने स्टाफ आपको थोड़ा एक्सरसाइज बता, असिस्टेंट डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज बताइए, वो करते रहना है आपको। ठीक है, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। हाँ।